कौन है। आज हम इधर से हमारे ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं। महाप्रभु जी को पढ़ाने में सबसे पहले विष्णु चित्त जी आए, विष्णु चित्त उपाध्याय, उसके बाद श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने उनको पढ़ाया, उनके पितृचरण ने, फिर तिरुमल जी आए, तिरुमल जी ने भी उनको काफी वेदाध्ययन कराया, फिर आंध्र नारायण ने उनको अध्ययन करवाया, और छल्ले आपने अन्य 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 जो सब वैष्णव मत हैं उनको माधव यतीन्द्र के पास आपने अध्ययन किया। तो वैष्णव मत के आपके टीचर्स अलग रहे। षट दर्शन मतलब जो सनातन धर्म के आस्तिक दर्शन है, वेदानुकूल आस्तिक दर्शन है, जिनका समन्वयाध्याय में महर्षि वेद व्यास ने ब्रह्मसूत्रों में समन्वय किया है सभी दर्शनों का, वो सब षट दर्शनों को भी श्री महाप्रभु जी ने व्यवस्थित पढ़ा। हमने कल ये भी देखा कि महाप्रभु जी ने नास्तिक आगमों को, बाह्य आगमों को, मतलब जैन बौद्ध और चार्वाक आदि शास्त्रों को तो वाद विवाद करते, अन्य पंडित जो उनके गुरुजनों के पास आके स्वमत प्रस्थापन करते थे और उनका जो गुरुजन खंडन करते थे उसी को श्रवण करते करते आपने नास्तिक मतों को भी पढ़ लिया। नास्तिक मतों को यदि स्वतंत्रतया अध्ययन किया जाता है तो उसका भी प्रायश्चित लगता है, इसलिए महाप्रभु जी ने वो प्रकार से नहीं करके और दो लोगों के संवाद में ही जितना जान सकते थे उससे उसका पूरा यूं समझो कि सिनॉप्सिस जान लिया कि क्या प्रकार से नास्तिक मतों का आधार क्या है, और उसका खंडन फिर आपने भाष्य आदि में तो किया ही है। यहाँ आज कह रहे हैं, आज का हमारा क्रम शुरू हो रहा है कि जैसे विष्णु चित्त उपाध्याय जो हैं वो तैलंग जाति के दीक्षित सोमिया जी रहे, वो स्वयं सोमिया जी थे और महाप्रभु जी के ही जाति के थे विष्णु चित्त उपाध्याय। इसीलिए आपने सुना होगा कि महाप्रभु जी इनके घर भोजन करते थे, जब गुरुकुलवास इनके यहाँ करते थे तो आप क्योंकि सकुल्यों मतलब एक जाति के लोगों के हाथ का ही आप रुकते थे श्रीमद आचार्य चरण। ये मैं थे शब्द अभी यहाँ क्योंकि हम इतिहास ग्रंथ पढ़ रहे हैं इसलिए मैं थे शब्द यूज करता हूं, लेकिन ये थे शब्द का प्रयोग महाप्रभु जी के लिए सही नहीं है। महाप्रभु जी ने वहां किया है, महाप्रभु जी ने विष्णुचित्त उपाध्याय के घर में भोजन किया है, ऐसा ही संबोधन आना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये एक ऐतिह्य प्रमाण है संप्रदाय का तो इतिहास क्योंकि एक 500 वर्ष पहले की 500 साढ़े 500 वर्ष पहले की हमें घटना को भी यहाँ पे एक उस क्रोनोलॉजिकल क्रम में भी समझ रहे हैं, इसलिए उसकी हायरार्की और क्रोनोलॉजी को समझने के लिए कहीं कहीं अगर मुझसे थे शब्द निकल जाए आचार्य चरण के लिए तो मुझे आप सब विद्वान लोग क्षमा करना, भावुक वृंद क्षमा करना, वहां थे नहीं है। महाप्रभु जी ने जो भोजन किए हैं वो सकुल्यों के यहाँ और सजाति के लोगों के यहाँ ही किए हैं, तो उनमें ये विष्णु चित्त जी जो उपाध्याय हैं ये भी श्री महाप्रभु जी के तैलंग कुल के ही सोमया जी दीक्षित ब्राह्मण है, इनके लिए बताया जा रहा है ये साक्षात बृहस्पति के अवतार। बृहस्पति मतलब देव गुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति। हमारी प्रवर में भी हमारे जो त्रिप प्रवर में आने वाले जो हैं वो आंगिरस बृहस्पति ही हैं, तो बृहस्पति के हम अनुयायी हैं। ये तो हम हमारी संध्या की और वैदिक कार्यों की हमारी गोत्र प्रवरोच्चारण में भी हम बोलते हैं, तो मैं आपको खास कहना चाहूंगा कि उनके सर्वप्रथम जो गुरु हैं ये विष्णु चित्त दीक्षित जी, ये साक्षात बृहस्पति के अवतार हैं। इससे महाप्रभु जी का आप देखो कि उद्धव जी के साथ एक सतीर्थता आपकी सिद्ध होती है। भागवत जी में आता है वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्ता महा। उद्धव जी ने भी जो एजुकेशन ली थी, उद्धव जी ने भी जो अपने आप को पढ़ने के लिए कहीं रखा तो साक्षात वो बृहस्पति जी के पास रहकर ही उद्धव जी भी पढ़े, तो उद्धव जैसे ज्ञानी, उद्धव जैसे भक्त, उनके जो गुरु रहे हैं वो बृहस्पति जी, देवराज इंद्र से लेकर और सारी देव सभा के जो उस काल के राजगुरु रहे हैं और अद्यावधि जो राजगुरु हैं, ऐसे बृहस्पति ने ही श्री महाप्रभु जी को अध्यापन करने के लिए विष्णु चित्त जी के रूप में अवतार लिया। इसके बाद ये कह रहे हैं तिरुमल्ल जी तैलंग दीक्षित ये साक्षात ब्रह्मा के अवतार रहे, ये ब्रह्मा जी ही आप साक्षात अवतरित हुए हैं तिरुमल्ल जी के रूप में। अब देखो इसमें तिरुमल्ल जी जो हैं इन्होंने ऋग्वेद और सामवेद ये दो वेद जो हैं ये आपको तिरुमल्ल जी ने पढ़ाए, और महाप्रभु जी को तो खैर ऋग्वेद पढ़ाने की क्या आवश्यकता। ऋग्वेद का जो प्रथम मंत्र है, पूरे वेद का जो आदि मंत्र है, पहला मंत्र वो स्वयं श्री महाप्रभु जी का ही स्तवन करता है,
अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातुमम, उसमें अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम, ये जो है ये साक्षात यज्ञ भोक्ता यज्ञ करता अग्निमीड़े पुरोहितम, दूसरों का हित विचारने वाले दैवी जीवों का हित विचारने वाले जो है वो साक्षात अग्नि आप महाप्रभु जी स्वयं है। इन्होंने इन्हीं तिरुमल्ल जी के पास आपने ऋग्वेद पढ़ा और साम वेद पढ़ा। आपको ध्यान दिला दूं, साम वेद जो है वो भगवान की ही एक विभूति है, वेदानाम साम वेदोस्मि। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जब आप यदुकुल में प्रकट हुए, जब आप वसुदेव नंदन के रूप में शूरसेन के पौत्र के रूप में जब आप चंद्र वंश में प्रकट हुए तब भी आप साम वेदी ही थे। तो महर्षि भगवान का भी जो वेद है, जैसे हम सब कृष्ण यजुर्वेदी हैं वैसे भगवान सामवेदी रहे। और साथ में भगवान ने खुद ने भी आज्ञा दसवें अध्याय में गीता जी में की है, वेदानाम सामवेदोस्मि, मैं सामवेद का ही अवतार हूं। ये दो जो वेद हैं ये साक्षात इन्होंने उनसे पढ़े। और संपूर्ण जो यजुर्वेद है वो यजुर्वेद आपने देखो यहां दिया तैत्रीय शाखा और उसके पास सांगोपांग यजुर्वेद की जो अन्य अन्य शाखा है वो आपने विष्णु चित्त जी उपाध्याय से पढ़ी, अर्थात पहले बृहस्पति जी ने पढ़ाया फिर महाप्रभु जी को साक्षात ब्रह्मा जी ने पढ़ाया। इसके बाद यहाँ बता रहे हैं कि विष्णु स्वामी संप्रदाय के अभी जो तीसरे गुरु हैं जिनका नाम आंध्र नारायण है, ये विष्णु स्वामी संप्रदाय में दीक्षित थे, ये द्राविड़ थे, मतलब ये तमिलियन थे, तमिल थे, ये तैलंग नहीं थे, ये तमिल थे, इसलिए वहां द्रविड़ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये विष्णु संप्रदायी आंध्र नारायण दीक्षित द्राविड़ ये सांदीपनी मुनि के अवतार, सांदीपनी साक्षात भगवान श्री कृष्ण के गुरु। कृष्ण बलराम ने यज्ञोपवीता नंतर मथुरा से उज्जैन गमन करके और इन्हीं सांदीपनी ऋषि के आश्रम में और आपने वहां पे 32 विद्या और 64 कला ये आपने सांदीपनी ऋषि से ही धारण की अपने कृष्णावतार में। तो शेषावतार और कृष्णावतार ने जहां पे अध्ययन किया उन्हीं ये विष्णु स्वामी संप्रदाय के आंध्र नारायण दीक्षित द्राविड़ ने सांदीपनी मुनि ने जो अवतार ग्रहण किया उन्होंने आकर श्री महाप्रभु जी को षट शास्त्र अर्थात न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा और वेदांत ये षट दर्शनों का अध्ययन स्वयं सांदीपनी ऋषि ने कराया। इसके बाद यहाँ कह रहे हैं तैलंग माधवेंद्र यति माध्व संप्रदायी और ये साक्षात शांडिल्य मुनि के अवतार। यहाँ पे खास ध्यान दीजिएगा भक्ति सूत्रों के जो दो प्रधान आचार्य हैं उनमें एक नारद जी हैं और एक हैं शांडिल्य मुनि। तो शांडिल्य के भी भक्ति सूत्र हैं और शांडिल्य भक्ति सूत्र और नारद भक्ति सूत्र ये देखने पर ही हमको पता चलता है कि नारद जी ने किस प्रकार से 84 ही सूत्र लिखे भक्ति के और शांडिल्य ऋषि ने भी जो भक्ति मीमांसा की है वो उनके भक्ति सूत्रों से दर्शन करने पे हमको पता चलता है कि भक्ति को पुष्टि भक्ति के कितने निकटतम ले जाकर उन्होंने प्रतिपादन करने का प्रयास किया है और उसको संपूर्णता तो श्री महाप्रभु जी ने अस्मत् प्रतिपादितंतु भक्ति नैर्गुण्यः के रूप में ही निर्गुण पुष्टि भक्ति मार्ग को प्रकट करके ही उतनी संपूर्णता में आप भक्ति के मार्ग को लाए। शास्त्र में प्रकटित नवधा भक्ति को प्रेम लक्षणा संयुक्त करके दसवीं भक्ति के रूप में श्री महाप्रभु जी ने ही प्रस्थापित की। ये वही शांडिल्य मुनि के अवतार साक्षात माधव संप्रदाय के माधवेंद्र यति जो आप रहे ये तैलंग थे और इन्होंने ही श्री महाप्रभु जी को आगे का भी सब वैष्णव शास्त्रों का अध्ययन कराया। क्योंकि देखो समग्र वैष्णव संप्रदाय जो है चाहे वो रामानुज हो मध्व हो निम्बार्क हो या पोस्ट वल्लभाचार्य जो चैतन्य या स्वामीनारायण हो ये सब भक्ति मार्ग ही हैं और भक्ति मार्ग होने के कारण ये विष्णु भक्ति हैं। वैष्णव शास्त्र महाप्रभु जी ने इनके जो मूल शांडिल्य मुनि हैं उनने ही जब ये माधवेंद्र यति के रूप में अवतार लिया तो श्री महाप्रभु जी ने उनसे अध्ययन किया। मतलब हम यहाँ देख सकते हैं अभी एक चीज और आप देख लेंगे कि यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात बताई फिर मैं उसको समाप्त करता हूं कि लक्ष्मण दीक्षित आचार्य साक्षात वसुदेव जी का अवतार है और माता जी जो हैं इल्लम्मा गारू वो देवकी जी का अवतार हैं। महाप्रभु जी के बड़े भाई जो हैं रामकृष्ण जी वो बलदेव जी का अवतार हैं और केशव जो हैं जो महाप्रभु जी के पहले भाई होके चले गए और वापिस जो हुए वो रुद्र का अवतार है महादेव जी का। और सुभद्रा जी और सरस्वती जी दोनों तो साक्षात सुभद्रा जी और सरस्वती जी का ही अवतार है।
तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि इस प्रकार से, और आप जो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, ये श्री वल्लभ पुरुषोत्तम के वदन अर्थात मुख वाक्पति अग्नि के अवतार हैं। तो यहाँ पे ये सभी लोगों का आदि दैविक और नित्य धाम में जो स्वरूप है वो बताया कि किस प्रकार से बृहस्पति जी, ब्रह्मा जी और सांदीपनी मुनि, शांडिल्य मुनि, साक्षात वसुदेव जी और इनके साथ बलदेव जी और सुभद्रा सरस्वती और भगवान रुद्र महादेव जी जो केशव पौरी जी के रूप में वापस जन्मे, आप इस प्रकार से कैसे ये पूरी दैवी सृष्टि के साथ ही श्री महाप्रभु जी भी अवतरित हुए, महाप्रभु जी भी प्रकट हुए और महाप्रभु जी के प्रागट्य के साथ इन सभी आचार्यों के रूप में, गुरुजनों के रूप में कैसे देव विभूतियां पधारी, ये भी हमको श्री यदुनाथ जी वल्लभ दिग्विजय के प्रारंभ में बता रहे हैं। अभी महाप्रभु जी की एक भी परिक्रमा शुरू नहीं हुई है, अभी तो महाप्रभु जी इज गेटिंग फुल्ली लोडेड विद ऑल द इक्विपमेंट्स नीडेड टू डू पृथ्वी परिक्रमा इन दिग्विजय। तो अभी तो दिग्विजय के लिए जो चीजें चाहिए उनको श्री महाप्रभु जी अभी तो जमा कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से, मैं एक बार वापिस आपको खाली स्मरण रहे इसलिए मैं कह दूं कि विष्णु चित्त जी, तिरुमल्ल जी, आंध्र नारायण जी और फिर बाद में माधवेंद्र यति, ये चार पांच लोगों के पास और अपने पिताजी के पास श्री महाप्रभु जी ने ये समग्र चतुर्दश विद्या स्थानों को आपने धारण किया। ये भारतीय सनातन धर्म के आर्ष वैदिक गुरुकुल में ये चतुर्दश विद्या स्थान में पारंगत करने का प्रकार